हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर वन, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सोलर सिस्टम में आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स और सन, मून और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स वगैरह। तो हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स हैं इसमें बताया गया है कि जब हम सूरज डूबने के बाद आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान में कुछ चमकती हुई सी चीज़ें दिखती हैं। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी से पॉइंट्स या डॉट्स हों जो आसमान में चमक रहे हैं। उन चमकती हुई चीज़ों को हम स्टार्स बोलते हैं। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो फ्लिकर कर रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो जल रहे हैं, फिर हल्का सा बुझ रहे हैं, फिर जल रहे हैं। उसको बोलते हैं ट्विंकल करना। तो कुछ स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ट्विंकल कर रहे हों, और बाकी कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपली ग्लो कर रहे होते हैं, सिर्फ चमक रहे होते हैं और उसमें कोई भी फ्लिकर नहीं होता है। मतलब वो हिलते हुए नहीं दिखते हैं, जैसे कि बनबुज टाइप की चीज़ नहीं होती है उसमें। जैसे कि हमारा मून होता है वो इसी तरीके से चमकते हैं। तो और जैसे कि हमारा मून है, मून हमें कभी पूरा दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी 1/4 दिखता है। मतलब उसकी शेप्स मंथ में कई बार चेंज होती हैं। तो जब हमें मून पूरा का पूरा दिखता है तो उस टाइम जो मून होता है उसे हम कहते हैं फुल मून, या फिर हिंदी में अगर बोले तो हम उसे बोलते हैं पूर्णिमा। और जब आती है, जब हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखता, आसमान में पूरा अंधेरा होता है, तो ऐसे टाइम को हम लोग बोलते हैं न्यू मून या फिर हिंदी में अमावस्या। क्या होता है रात में जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी और चीज़ें भी दिख जाती हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड या मिटियोर्स। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सूरज, चांद, तारे और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमें आसमान में दिखती हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। वो जो बनी होती हैं बहुत सारे अलग अलग गैसेस की, उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है और वो एनर्जी एमिट करते हैं। तो जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उनको हम बोलते हैं स्टार। और जो हमारा सन है ना वो भी एक स्टार है। सो द सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस दे आर कॉल्ड स्टार्स एंड सन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टार। तो जो हमारा सन है वो भी एक तरीके का स्टार है और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। और भी आगे जैसे हमें बताया गया है कि आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आसमान में, कि कई बार क्या होता है सितारों के पैटर्न्स बनते हैं जो हमारे तारे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कई बार उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। कई बार तो हम घोड़े भी बना देते हैं उसमें, कई बार हम ट्रायंगल बनाते हैं, कई बार हम स्टार में स्टार की शेप जैसी चीज़ बना देते हैं। तो ये जो वेरियस पैटर्न्स बनते हैं ना हमारे नाइट स्काई में, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. तो जो अलग अलग तरह के patterns बनते हुए हमें दिखते हैं ना हमारे रात के आसमान में, उनको हम constellation बोलते हैं। एक जिसमें से एक बहुत ज़्यादा important constellation है उर्सा मेजर, या फिर हम उसे बिग बियर भी बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा, और हम उसको हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि, जो हम इजीली देख सकते हैं नाइट स्काई में। हम देखेंगे जैसे कि ये बुक में दिया हुआ है इस तरीके से, जो 7 स्टार्स हम लोग बनाते हैं आसमान में हम देखेंगे तो इजीली हम इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और अगर हम आसमान में नॉर्थ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ बिल्कुल सीधा देखेंगे ना, तो हम लोगों को जो स्टार बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा वो होता है हमारा नॉर्थ स्टार। और एंशियंट टाइम में नॉर्थ स्टार, या फिर उसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोगों को दिखता है वो। पुराने टाइम में क्या होता था कि इस तारे की हेल्प से लोग डायरेक्शन यानी कि दिशाओं का पता करते थे। और फिर आगे हमें बताया गया है, सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स दे लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, और वो जो चमकती है ना वो चमकती है किसकी हेल्प से, जो उनका सन होता है, जो उनका स्टार होता है उसकी हेल्प से वो चमकती है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं प्लैनेट। और जो प्लैनेट वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड
पैलेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। पैलेटाई का मतलब ग्रीक में होता है वेंडरर, वेंडरर का मतलब होता है घूमने वाला। तो जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं ना, तो उसी चीज़ से इसका नाम पड़ा है प्लैनेट्स। आगे देखते हैं, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या जितनी भी हीट और लाइट लेती है, वो आपका अर्थ का जो सबसे पास वाला स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, उससे लेती है, और उसी की लाइट की वजह से ये चमकती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून है हमारा, वो भी एक तरीके की नेचुरल सैटेलाइट है। और मून भी जो अपनी लाइट लेता है ना, वो सन से ही लेता है। मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, जो मून हमें चमकता हुआ दिखता है वो सन की लाइट होती है, जिसकी हेल्प से वो चमकता है। लाइक आर अर्थ देयर आर एट अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और इसमें आगे बताया है कि जैसे कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, ऐसे ही और भी प्लैनेट हैं जो कि चमकते हैं और हीट और लाइट लेते हैं सन से ही। अब हमें आगे ये सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। द सन, एट प्लैनेट्स, सेटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मिट्योरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी अफन कॉल इट सोलर सिस्टम, सॉरी सोलर फैमिली विद द सन एज इज हेड। तो जो हमारा सोलर सिस्टम में है, इसमें हमारे, देखिए यहाँ पे हमारी फिगर है, अभी हम इसे देखेंगे क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। सन है, आठ प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स जिनको हम मून बोलते हैं वो हैं, एस्ट्रॉइड्स और मिट्योर्स के बारे में हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं। इन सबको मिला के जो बनता है वो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। और कभी कभी हमें सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोलते हैं, जिसका जो मुखिया है, हेड है, वो सन है। देखिए हमें जो ये साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसलिए इसमें बताया गया है जो सोल वर्ड लिया गया है वो रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें जो सन गॉड थे उनका नाम था सोलर। तो फिर और बाकी जो उसके हैं सन के आसपास चक्कर लगाते हैं वो उसकी फैमिली है, इसलिए हम उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं एक मतलब वे में। और फिर वर्ड ओरिजिन और हमें बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि अर्थ कहाँ से आया, जियो, जियो का मतलब जो है वो ग्रीक में होता है अर्थ लाइक शेप। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ना। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। और इसमें ऑयड का मतलब होता है जो चीज़ अर्थ से मतलब रिजेंबल करती है, रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। फिर यहाँ पे ये थोड़ा बहुत दिया गया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बोला गया है। अब हम लोगों को प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। प्लैनेट से पहले यहाँ पे आता है हमारा सन। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ये बहुत ही बड़ा है और गर्म गैसेस का बना हुआ है। ये जो है प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स जो पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे हुए हैं। सन जो है वो अल्टीमेट मतलब फाइनल सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। और हमें जो सन की हीट इतनी ज़्यादा इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना है कि जो सन का डिस्टेंस है वो अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर्स अबाउट। तो अब आगे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उनका ऑर्डर आप ऐसे याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये एक्रोनिम टाइप का बना हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके पहले पहले जो ये बोल्ड लेटर्स कलर में किए हुए ना, पिंक कलर में MVEMJSUN, इसको हम ऐसे करके सेम पैटर्न से याद कर सकते हैं। इन ये जो है ये उसी डिस्टेंस में है जैसे कि सन से कितनी कितनी दूरी पे है, उसी सीक्वेंस में ये लगे हुए हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो जिस पाथ में ये चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। जो मरकरी है वो सबसे ज़्यादा पास है सन के और उसको 88 डेज लगते हैं अपनी पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑर्बिट क्या होती है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दीज पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो पाथ होते हैं ना, ये बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, ये थोड़े खिंचे हुए से, जैसे ओवल शेप होती है ना, थोड़ा खिंचा हुआ सा, दो साइड से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ जैसा सर्किल बोलता है,
उसको एलोंगेटेड बोलते हैं हम। तो ये एलोंगेटेड पाथ में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। मरकरी सबसे ज़्यादा पास है सन के और इसको 88 डेज लगते हैं एक अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वीनस का जो साइज़ है और वीनस की शेप जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब ये देखिए, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो आंसर होगा मरकरी। और अर्थ का ट्विन क्या है, अर्थ के ट्विन का क्या नाम है? तो वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज़ और शेप है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है अर्थ से। और आगे बताते हैं इसमें कि 2006 तक हम प्लूटो को भी प्लैनेट मानते हैं, मगर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई थी जिसमें से उन्होंने इसको हटा दिया प्लैनेट को एज अ, मतलब प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानते हैं और हम उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। अब अर्थ के बारे में, अर्थ जो है वो तीसरा सबसे पास प्लैनेट है सन के और फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज़ है। साइज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है और अगर हम उसकी सन से दूरी देखें तो वो है थर्ड नंबर पे। और जो अर्थ है वो पोल्स की साइड से, अर्थ गोल होती है तो सबसे ऊपर का पार्ट अर्थ का और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, अगर हम उसको एक बॉल की तरह देखें तो बॉल को पकड़ते हैं हम तो एक ऊपर वाला पार्ट होता है एक नीचे वाला पार्ट होता है, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो वो जो पोल्स हैं ना वो हल्के से अंदर दबे हुए हैं। अगर आप एक सॉफ्ट सी बॉल लेंगे और उसको अपनी उंगली ऊपर नीचे रख के दबाएंगे ना तो इस टाइप से फ्लैट हो जाएगी वो, तो ऐसी फ्लैट सी है कुछ पोल्स से हमारी अर्थ। तो अर्थ की ना ही शेप सर्किल है ना ही ओवल है, तो एक अर्थ की अपनी ही एक शेप है जिसको हमने बोला है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। और क्या है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे आज तक माना जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है और वो सारी की सारी कंडीशंस हैं जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें बाकी दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं अवेलेबल हैं। इसलिए अभी तक तो ऐसा ही माना जाता है कि बाकी सारे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। और अर्थ को हमारे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि 2/3 जो इसका सरफेस है उस पूरे 2/3 सरफेस में वाटर है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब मून के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो स्पीड, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सन से अर्थ में आने की जो स्पीड है लाइट की वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और अगर हम उसे किलोमीटर में देखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और उसको लगभग 8 मिनट लगते हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए सन की लाइट को। और एक और हमें फैक्ट दिया हुआ है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने मून की सरफेस पे कदम रखा था और वो डेट थी 21 जुलाई 1969। अब हम पढ़ते हैं हमारे मून के बारे में। हमारी जो अर्थ की एक ही सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट को हमें नाम दिया है मून, जिसका जो डायामीटर है वो है 1/4 ऑफ अर्थ। डायामीटर आपको पता है, अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड की अगर सेंटर से हम लोग एक लाइन पास करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। जो डायामीटर है मून का वो अर्थ का 1/4 है, 1/4 है। ये हमें बड़ा इसीलिए दिखाई देता है मून क्योंकि हमारी अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है, और ये हमारी जो अर्थ से इसका डिस्टेंस है 384400 किलोमीटर। ये देखने में बड़ा लग रहा है बट कंपैरेटिवली अगर हम बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में देखें तो जो हमारा मून है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा पास है, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, तो मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ, मतलब मून अर्थ के अराउंड 27 डेज में एक पूरी अपनी स्पिन कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें मून की सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है, मतलब एक ही साइड हमेशा हमें मून की दिखती है, हमें उसकी दूसरी साइड नहीं दिखती है। और हमें जो मून में वो जो थोड़े थोड़े से जब मून को देखते हैं तो ब्लैक ब्लैक, मतलब ब्लैक नहीं, थोड़े डार्क डार्क से स्पॉट्स दिखते हैं ना, वो ऐसा होता है कि जो वो माउंटेन्स हैं वो सब हमें दिखती हैं। और हाँ, अभी इस NCERT में लिखा हुआ है कि वहाँ पे ना ही हवा है ना ही पानी है, मगर अब कुछ जो हमारा चंद्रयान 2 था उसने और चाइना के भी कुछ मिशंस थे उन्होंने ये मतलब कंफर्म कर दिया है कि मून की सतह पे पानी है, मगर अभी NCERT तो काफ़ी पुरानी है, 2006 से है शायद ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंग तो मतलब मून पे पानी नहीं क्योंकि तब तक पता नहीं लगा था और अब
अब तो हो गया है, पता लग गया है कि उसके जो वहाँ की मिट्टी में पानी हो सकता है। और जो डिप्रेशंस वगैरह हैं वो माउंटेन्स की वजह से हैं, और कुछ गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे, और यही वो डिप्रेशन है जो हमें थोड़े दाग दाग जैसे दिखते हैं। और यही जो है ये मतलब उस पे मून पे शेडो मतलब परछाई डालते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड हमारे जो हैं सैटेलाइट्स घूमते हैं, जैसे कि मून हमारा अर्थ के अराउंड घूमता है। मगर सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के अराउंड भी हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं, जिनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड जो है ये हमारी पाई जाती है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना, ऊपर हमारा बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा मार्स है, और ये हमारा छोटा सा मार्स है, और ये हमारा जुपिटर है। इसके बीच में ये देखिए लेयर्स ही बनी हुई है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी एस्ट्रॉइड्स मिलती हैं। तो हमारी एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाई जाती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका शायद क्वेश्चन भी और एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाई जाती हैं। एस्ट्रॉइड्स पाई जाती हैं मार्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं ये हो सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं कोई, जो कई हज़ार साल पहले कुछ एक्सप्लोजन हुआ हो, वो फूट गए हों, और उसके कुछ ही कुछ पार्ट्स हैं जो मार्स और जुपिटर्स के बीच में घूम रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। हो सकता है कई साल पहले हमारे प्लैनेट्स में से ही टूट के निकले हों। अब मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। जैसे एस्ट्रॉइड्स उसमें होते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट पे मार्स और जुपिटर के बीच में, इसी तरीके से मीटियोरॉइड्स भी होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में ही होती हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपन इट। कई बार क्या होता है, ये जो मीटियोरॉइड्स होती हैं ये अर्थ की तरफ आ जाती हैं और इस पे मतलब अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आ जाती हैं और गिरने लगती हैं। ये क्या होता है कि जब वो अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आती हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगती हैं, और इनके पीछे एक लाइट सी दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है, ये हमारी जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्थ के सरफेस पे जब आके गिरती हैं तो ये गड्ढा वगैरह भी कई बार क्रिएट कर देती हैं। और फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियन 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में, और जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। और मिल्की वे जैसी और भी बहुत सारी गैलेक्सी हो सकती हैं। एंशियंट इंडिया में ऐसा समझा जाता था, मतलब एंशियंट इंडिया में जो आज हम इंग्लिश में से मिल्की वे बोलते हैं, एंशियंट इंडिया में इसको बोला जाता था आकाशगंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और बादल होते हैं मिट्टी के और अलग अलग तरह की गैसेस के। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स। और हमारा यूनिवर्स जो बनता है वो ऐसी बहुत बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर हमारा यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और हमें मतलब पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, और साइंटिस्ट जो हैं आज भी इसको पता लगा पाने में सक्षम नहीं है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ किस में आती है? सोलर सिस्टम में आती है। सोलर सिस्टम किस में आता है? मिल्की वे में आता है। और मिल्की वे किस में आता है? यूनिवर्स में आता है, और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।